हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं SBI, PNB, BOB और कैनरा बैंक के स्टॉक के बारे में। स्पेशली इस वीडियो में फ्रेंड्स बात करेंगे इन चारों PSU बैंक्स के बारे में, बिकॉज आपको देखने को मिलेगा PSU बैंक के अंदर एक बढ़िया तेजी बन रही है। SBI और कैनरा बैंक काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं और BOB भी देखिए पार्टिसिपेशन आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन PNB में इतना कोई तगड़ा मूव नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यही बात करेंगे कि जो PSU बैंक के अंदर तेज़ी शुरू हुई है, ये कहाँ तक आपको जाती हुई देखने को मिलेगी, क्या टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं इनके, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके जो भी शेयर मार्केट के रिलेटेड है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम SBI के बारे में। सो फ्रेंड्स, SBI की बात करें तो SBI डेफिनेटली आपको बहुत बढ़िया चलता हुआ देखने को मिला है लास्ट वन मंथ के अंदर। 11% 12% का देखिए इंक्रीज SBI में अगर आपको आता हुआ देखने को मिलता है एक महीने के अंदर, तो अपने आप में फ्रेंड्स एक बहुत बड़ी बात है। इस हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते में आप देखेंगे मोस्टली तेज़ी आपको देखने को मिली जो पूरे महीने के अंदर की, यानी 7% से ज़्यादा आपको इस हफ्ते देखिए स्टॉक बढ़ता हुआ देखने को मिला है। नया 52 वीक हाई बनाए, जो बनाए करीबन 493 रुपीज़ का, जो यहाँ पे फ्राइडे को ही बना था। फ्राइडे के सेशन में आप देखेंगे 493.90 का हाई बना, जो इसका नया 52 वीक हाई आपको बनता हुआ देखने को मिला। अब देखिए SBI डेफिनेटली देखिए एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और कह सकते हैं इंडिया का नंबर वन बैंक है। बट SBI में अगर मैं देखता हूँ लास्ट वन ईयर में, तो वन ईयर में एक मैसिव आउट परफॉर्मेंस SBI ने दोस्तों यहाँ पे दिखाई है। ये जो स्टॉक आपको करीबन यहाँ पे मिलता था कभी 190 रुपये का, 180 रुपये का, उससे देखिए आपको देखने को मिलेगा अब करीबन 500 रुपये के आसपास मिलना चालू हो चुका है। तो यहाँ से देखिए SBI के अंदर जो तेज़ी आई है, ये सालों की तेज़ी आई है। मैक्स रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 3140% रिटर्न है, बट मुझे लगता है कि SBI काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। एंड यहाँ से स्टॉक के अंदर देखिए जो तेज़ी शुरू हुई है वो डेफिनेटली दोस्तों लास्ट लॉन्ग करेगी, बिकॉज लास्ट 5 ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर्स में तो बुल मार्केट नहीं था, लेकिन SBI ने कोई तेज़ी नहीं दिखाई। अगर मैं इसको HDFC से कंपेयर करता हूँ, ICICI से कंपेयर करता हूँ, एक्सिस से कंपेयर करता हूँ, कोटक महिंद्रा से कंपेयर करता हूँ, तो SBI में अभी भी कोई मैसिव ऐसी आउट परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है लास्ट 5 ईयर्स के अंदर। एंड अब दोस्तों आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो ये जो बैंक्स है, सबसे बड़ी बात क्या, डिफॉल्टर्स, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैंक जब प्रोविजंस बनाते हैं तो अभी SBI के जो प्रोविजंस है फ्रेंड्स वो काफ़ी कम है। लास्ट कुछ महीनों में अगर आप देखेंगे तो SBI ने सबसे बढ़िया बिजनेस करा है। SBI ने इन टर्म्स ऑफ लोन बुक, कंपनी की लोन बुक बहुत तेज़ी से ग्रोथ दिखाई है और कंपनी के दोस्तों जो डिफॉल्टर्स है वो काफ़ी कम रहे। और यही देखिए साफ साफ फाइनेंशियल में आपको बता रहा था कि फाइनेंशियल जब कंपनी के जून 2021 के नंबर्स निकल के आए थे तो वो बहुत बढ़िया थे, और यही देखिए नंबर्स जो है वो आगे भी आपको रहते हुए देखने को मिलेंगे। जस्ट आपको पेशेंसली इसको होल्ड करना है। तो जिनके पास भी स्टॉक की सलाह यही है, होल्ड करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। SBI के टारगेट मुझे लगता है कि इस हफ्ते में आपको देखिए 500 रुपये के पार जाएगा, लेकिन 520 रुपये का इनिशियल टारगेट होगा। मंडे के टारगेट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 500 रुपये का लेवल आपको SBI के अंदर आता हुआ देखने को मिल सकता है, बिकॉज हम एक गैप अप ओपनिंग देने वाले हैं। तो डेफिनेटली सलाह यही है, होल्ड करिए, दिवाली के तक 550 रुपये का लेवल भी आपको देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर। सो फ्रेंड्स, PNB अगर आप देखेंगे तो 42.45 रुपये पे क्लोजिंग दिया है, एंड ये भी एक महीने में आपको करीबन 11% के आसपास ही बढ़ता हुआ देखने को मिला है। स्टॉक का अगर हम बात करते हैं इस हफ्ते की, तो इस हफ्ते भी 7% के आसपास की तेज़ी है। PNB अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा चलता हुआ देखने को नहीं मिला है एज़ कंपेरिजन टू SBI। 46.35 का देखिए 52 वीक हाई है इसका, और अभी तक 42-43 रुपये से आगे आपको PNB जाता हुआ देखने को नहीं मिला है। लेकिन निफ्टी में तेज़ी है और निफ्टी के कारण मुझे लगता है कि अब जो बैंक निफ्टी है वो परफॉर्मेंस करता हुआ देखने को मिलेगा, और जो लीड करेगा वो निफ्टी PSU बैंक है। देखिए PNB में दिक्कत क्या रहती है कि देखिए जो आप कह सकते हैं कि जो चीज़ें हुई पहले उसके कारण देखिए PNB में काफ़ी ज़्यादा घाटा देखने को मिला, काफ़ी कुछ घटता हुआ देखने को मिला, स्टॉक की प्राइस में एक मैसिव डाउनफॉल आपको आता हुआ देखने को मिला। मैक्स रिटर्न भी अगर आप देखेंगे तो 467% डेफिनेटली शो कर रहा है, बट ज़्यादा नहीं है, लास्ट 5 ईयर्स में तो नेगेटिव रिटर्न है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रही, क्योंकि जो शेयर आपको करीबन यहाँ पे मिलता था 200 रुपये के आसपास, वो स्टॉक आपको 20-22-23 रुपये के आसपास मिलता हुआ देखने को मिला। लेकिन अब दोस्तों वापस से देखिए, एक कह सकता हूँ मैं कि रिवर्सल, एक इंपॉर्टेंट ही है वर्ड है, रिवर्सल आपको देखिए आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब क्यों आता हुआ देखने को मिल रहा है, देखिए इसका मैसिव कह सकता हूँ कि जो आउटलुक है वो है कंपनी के फाइनेंशियल्स।
कंपनी के फाइनेंशियल्स देखिए बहुत ज़्यादा सुधरते हुए देखने को मिले। कंपनी के नेट इनकम 117% बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 109% बढ़ रहा है। अगर पिछले क्वार्टर की बात करता हूँ तो उसमें भी देखिए नंबर्स बढ़िया रहे, और लगातार अब फ्रेंड्स आपको PNB बढ़िया नंबर शो कर रहा है। अगर आप कभी स्टॉक में अपनी खरीदारी करें तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको फाइनेंशियल्स को रेगुलरली ट्रैक करना पड़ता है जैसे जैसे नंबर्स निकल के आते हैं। और अब आपको लगता है कि देखिए वो जो चीज़ है हुई वो पीछे छोड़नी चाहिए और अब यहाँ पे आगे आपको अपना पैसा डालना चाहिए। देखिए PNB यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी दिखा सकता है, कम से कम 60 रुपये का लेवल तो देखिए PNB में आना चाहिए। अब आना चाहिए लेकिन वो आ नहीं पाता है वो डेफिनेटली फ्रेंड्स एक बात रही है, बिकॉज यहाँ से लास्ट 6 मंथ्स में कोई तेजी नहीं है 28% की। बट मुझे लगता है कि PNB में वापस से जो रिवर्सल आ रहा है वो बढ़िया रिवर्सल आ रहा है। स्टॉक की एक हर्डल है मेजर, वो है 43 रुपीज़ का, फिर 45 रुपीज़ का, इन दोनों को क्रॉस करेगा तो 50 रुपये की तरफ जाएगा। 46 रुपीज़ का एक जो 52 वीक आई है वो भी एक रेजिस्टेंस है। बट मुझे लगता है कि ओवरऑल बिल्कुल तेज़ी बन सकती है, तेज़ी इंटैक्ट रहेगी, तो सलाह यही कि बने रहिए। हो सकता है कि दिवाली तक आपको ये 55 रुपये तक का लेवल यहाँ पर शो करते, तो डेफिनेटली मेरी सलाह यही है PNB को अभी बेच के ना चले, बिल्कुल होल्ड रखें। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर। सो फ्रेंड्स बैंक ऑफ बड़ौदा, अब मैं कह सकता हूँ कि BOB ने बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाया है इस हफ्ते। बोले आपको यहाँ पे 5% के आसपास की तेज़ी है, लेकिन लास्ट 1 मंथ में 14 से 15% की तेज़ी दिखा चुका है। स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे करीबन 90 रुपये का लेवल अभी तक शो नहीं हुआ है। बट मुझे लगता है कि BOB में एक मैसिव आउट परफॉर्मेंस प्लस एक ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। BOB में आप देखेंगे तो देखिए ये जो पूरा 6 महीने का चार्ट दिखता है ये दिखाता है कि स्टॉक आपको हाईएस्ट जोन के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। बट सबसे बड़ी बात क्या है, एक मेजर हर्डल्स को क्रॉस करने वाला है। मेजर हर्डल क्या है, 90 रुपये का। 90 रुपये के लेवल को देखिए जैसे ये क्रॉस करेगा डेफिनेटली देखिए तेज़ी बनती हुई देखने को मिल सकती है। देखिए यहाँ पे अगर बात करता हूँ मैं BOB के बारे में, तो BOB के फाइनेंशियल्स जून के क्वार्टर में बहुत ज़्यादा सुधरे थे, नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़िया निकल के आए थे, और ऐसे नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस मार्केट लगा के नहीं चल रहा था। मार्च में काफ़ी निराश किया था, दिसंबर में नंबर्स बढ़िया थे, लेकिन मार्च में निराश करने के बाद स्टॉक ने जो जून में नंबर्स दिखाए वो डेफिनेटली फ्रेंड्स बहुत बढ़िया थे। यानी Q4 से जो Q1 का सफर था वो बहुत ज़्यादा बढ़िया निकलता हुआ देखने को मिला, और इस बार जब Q2 के नंबर्स निकल जाएंगे तो वो और मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि BOB के अंदर अब 100 रुपये का लेवल बिल्कुल मान के चलिए आने वाले 1 से 2 हफ्तों के अंदर डेफिनेटली शो करता हुआ देखने को मिलेगा। मोस्टली मुझे लगता है कि इस हफ्ते भी 100 रुपये का लेवल अगर आ जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, सलाह यही है होल्ड करके चलना है, बेचने के अभी मत सोचिए। BOB के अंदर खरीदारी करने की सलाह है। कल का टारगेट होगा करीबन 91 रुपीज़ का। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आखिरी बैंक कैनरा बैंक के ऊपर। सो फ्रेंड्स कैनरा बैंक इस हफ्ते बहुत बढ़िया चला है, 1 महीने में 25% से ज़्यादा की, हाँ 25% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दिखा चुका है कैनरा बैंक में। देखिए तेज़ी जब से चालू हुई तब से वो जो नाम शो कर गया कि हाँ यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला ने एंट्री ली है, अब फ्रेंड जैसे वो नाम शो हुआ डेफिनेटली देखिए यहाँ से तेज़ी बनी, और उसके बाद से फ्रेंड्स जो तेज़ी बनी है कह सकते हैं कि कैनरा बैंक में बहुत बढ़िया थी। देखिए कैनरा बैंक एक मेजर आपको रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और मुझे लगता है कि अभी तक जो बैंक स्पेशली PSU बैंक्स में तो कैनरा बैंक अकेला है जिसने देखिए एक बढ़िया तेज़ी करके दिखाई है। लास्ट 5 डेज में भी देखिए 10% से ज़्यादा बढ़ चुका है, और कैनरा बैंक में अब 200 रुपीज़ का लेवल तो देखिए कह सकते हैं कि बिल्कुल आता हुआ ही देखने को मिलेगा। हो सकता है कि 220 रुपये तक भी आपको जाता हुआ देखने को मिले। बट मेजरली बात करूँ फ्रेंड्स कैनरा बैंक के ऊपर तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी बढ़िया देखने को मिलते हैं, और ये कंपनी के फाइनेंशियल्स में जो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी वो हर क्वार्टर में, ऐसा नहीं कि देखिए एक एक क्वार्टर में आपको आती हुई देखने को मिल रही है, हर बार देखिए कंपनी बढ़िया नंबर्स पेश कर रही है, जिसके कारण मुझे लगता है कि अब कैनरा बैंक चलने के तैयार है। और यहाँ से कैनरा बैंक के अंदर तो बिल्कुल भी आप बेचने के लिए मत सोचिए मत। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि देखिए एस इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला ने बाइंग कर रखी है इसलिए आपको बेचना नहीं है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे जो अंडर वैल्यू है वो आपको देखिए तब्दील होती हुई देखने को मिलेगी, और स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है अभी भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्टॉक करीबन आपको देखने को मिलेगा 600-700 रुपये के लेवल पर भी आता हुआ देखने को मिलता था करीबन 2010-2011 की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद से जो गिरावट आई है वो डेफिनेटली बहुत ख़राब है, और लास्ट 5 ईयर्स में भी इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए, तो कैनरा बैंक अब परफॉर्मेंस दिखा सकता है। और ये सारे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली बेनिफिशियरी रह सकते हैं। तो मेरी सलाह यही है कैनरा बैंक को भी बिल्कुल होल्ड करके चले, 220 रुपये का लक्ष्य आपको इस हफ्ते आता हुआ देखने को मिल सकता है। कल के टारगेट्स 200 रुपये से 205 रुपये तक के होंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।